हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। हमने मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझा, अलग अलग आईसीओ के बारे में समझा, अलग अलग सेक्शन के बारे में समझा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मोबाइल में बहुत जगह पे यूज़ में आती है लेकिन बहुत कम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो ऐसी एक चीज़ है सेंसर। सेंसर जनरली हम लोग जो समझते हैं वो फिंगरप्रिंट सेंसर है, या डिस्प्ले के अंदर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जिसे कहते हैं हम, ये एक दो सेंसर के बारे में हमें पता होता है। एक हॉल सेंसर के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो शायद वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह के कई सारे सेंसर एक मोबाइल के अंदर यूज़ में आते हैं, यानी कि एक स्मार्टफोन के अंदर कई सारे सेंसर को यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इनके बारे में मालूम होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब सेंसर्स के बारे में जो कि मोबाइल के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर सेंसर, यानी कि एक एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर होता है वो किस तरह से काम करता है और मोबाइल के अंदर यानी कि स्मार्टफोन के अंदर वो किस तरह के इफ़ेक्ट को ला सकता है। तो हम बात करें तो एक एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर होता है वो आपको हर तरह के मोबाइल के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से कि हम हमारी स्क्रीन के ऊपर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड के अंदर हम जैसे ही मोबाइल को घुमाते हैं, यानी कि उसकी साइड को हम चेंज करते हैं, तो हमारा मोबाइल जो है वो अपने आप समझ जाता है कि हमने मोबाइल को सीधा पकड़ा हुआ है या उसको हमने टेढ़ा किया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर की वजह से होती है, जो कि हम फ़ोन को जिस तरह से घुमाते हैं वो सेंसर जो है स्मार्टफोन को समझा देता है कि हमने हमारी डिस्प्ले का जो लोकेशन है वो चेंज किया है। उस तरह से वो डिस्प्ले के अंदर पिक्चर जो है उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर देता है। लेकिन ये जो सेंसर है ये सिर्फ दो ही तरफ से काम करता है। उसको अगर आप राउंडली घुमाना चाहते हो तो ये सेंसर जो है ये आपका काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर एक दूसरे सेंसर की मदद ली जाती है। दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं कि ये सेंसर्स जो होते हैं ये बहुत सारे सेंसर्स मिलके एक इफ़ेक्ट हमें देते हैं। तो इस तरह के कई सारे सेंसर हैं जो मोबाइल के अंदर यूज़ में आते हैं। तो दूसरा जो हमारा सेंसर है जिसे बोला जाता है जायरोस्कोप या जायरो सेंसर जिसको बोला जाता है, तो ये जायरोस्कोप या जायरो सेंसर जो होता है ये किस तरह से काम करता है। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि पॉपअप कैमरा वाला जो हमारा फ़ोन होता है उसका पॉपअप कैमरा ऑन है, और अगर इस फ़ोन को हम उछालते हैं तो इसका कैमरा जो है वो अपने आप से अंदर चला जाता है और इसका कैमरा जो है वो डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता है। तो इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि कोई भी पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन है उसको अगर आप थोड़ा सा हल्का सा उछाल के फिर हाथ में पकड़ोगे तो वो कैमरा का जो पॉपअप कैमरा जो बाहर निकला हुआ है वो अपने आप से अंदर चला जाता है। इसके अलावा इसका और भी कई जगह पर यूज़ होता है, जैसे हम लोग गेमिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। हम कोई 3D पिक्चर देख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी यूज़ होता है। जैसे ये वाला जो एक 3D जो है पिक्चर उसको अगर हम देखते हैं तो जैसे ही हम मोबाइल की स्क्रीन को घुमाते हैं उस तरह से पिक्चर भी हमें उस तरह से घूम के दिखाई देता है, जो कि एक जायरोस्कोप यानी कि जायरो सेंसर की मदद से ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि गेमिंग जो होता है ये गेमिंग भी उसी तरह से होता है। जैसे हम फ़ोन की स्क्रीन को जिस तरह से मोड़ते हैं उस तरह से जो कार रेसिंग वगैरह होती है उसके अंदर ये खास करके यूज़ में आता है, और ऐसी बहुत सारी ऐप होती है जिसके अंदर इसका यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्क्रीन घुमाते रहते हैं तो ये जो सेंसर है यानी कि जायरोस्कोप जो है वो हमारे अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसके अंदर ये इफ़ेक्ट डालता है और उस तरह से ये हमें चीज़ दिखाई देती है। तो ये चीज़ जो है ये जायरो सेंसर की मदद से की जाती है। तो ये एक जायरो सेंसर जो है आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक मैग्नेटोमीटर सेंसर का यूज़ किया जाता है, जो कि एक कंपास की तरह काम करता है, कि यानी कि जनरली हमें कोई दिशा अगर देखनी है कि हम मतलब कोई भी एक साइड हमें देखना है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, या किस तरह से अगर उसको हमें देखना है तो ये जो एक मैग्नेटोमीटर है उसका यूज़ किया जाता है। मैग्नेटोमीटर का यूज़ वैसे GPS वगैरह में भी किया जाता है। इसके अलावा मैप्स जो हम यूज़ करते हैं, मैप्स के अंदर
भी इसका यूज़ होता है नेविगेशन ऐप में। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर के जो ऐप आती है उसके अंदर भी ये जो है मैग्नेटोमीटर सेंसर है या मैग्नेटो सेंसर जिसे बोलते हैं इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में इस सेंसर का यूज़ हम लोग स्मार्टफोन के अंदर करते हैं लेकिन जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होती है। इसके अलावा एक GPS सेंसर यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो वहाँ से आप अपना GPS ऑन करोगे तो आपका जो लोकेशन है ये लोकेशन आपको दिखा देगा कि आप एग्जैक्टली वर्ल्ड के किस जगह पे खड़े हो। तो ये चीज़ जो है ये GPS सेंसर की वजह से होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपरली कोई एक सेंसर की वजह से नहीं होता है, ये सारे सेंसर जो है ये मिल के काम करते हैं तब जाके ये रिजल्ट जो है हमें दिखाई देता है डिस्प्ले पर। तो ये GPS सेंसर जो है यानी कि GPS डिवाइस, हालांकि इसके बारे में हम जो आगे इसका सेक्शन आएगा तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल एक GPS सेंसर जो होता है ये बिना इंटरनेट के भी आप इसका आपका पोजीशन जो है वो आपको दिखा सकता है। हालांकि उसमें बिना इंटरनेट के आप उसकी जो साइड है वो वगैरह नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर वो ऑन कर देते हो तो ये आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन देगा कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते पर मुड़ना है, कहाँ ट्रैफिक है, क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप GPS सेंसर की मदद से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जनरली क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो हमारे डिस्प्ले के अंदर हम देखें तो ऊपर की साइड में जहाँ पे कैमरा का होल होता है उसी तरह के दो होल दूसरे होते हैं। तो ये जो है वो एक सेंसर होता है जो एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है कि यानी कि जब आप कॉल लगाते हो और कॉल लगाने के बाद आप फ़ोन को जब कान पर लगाते हो तो वो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वहाँ पे एक इंफ्रारेड लाइट लगी रहती है और वो जो इंफ्रारेड की लाइट होती है उसका सिग्नल जो है वो किसी भी चीज़ उसके सामने कितनी दूर है उस डिस्टेंस को मेंटेन करके वो आपकी डिस्प्ले को चालू और बंद करवाता है। तो जैसे ही आप फ़ोन को कान पे लगाते हो तो ये सेंसर जो है वो वर्क में आ जाता है और आपकी डिस्प्ले और टच स्क्रीन को ये डिसेबल कर देता है। यानी कि अगर आपने कान पे फ़ोन लगाया है तो आपका कान कहीं पे टच हो गया, आपका गाल कहीं पे टच हो गया जिसकी वजह से कुछ बटन अंदर दब गए या आपका फ़ोन होल्ड पे चला गया या आपका फ़ोन म्यूट हो गया, तो ये कंडीशन जो है ये अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा तो ये सारी कंडीशन जो है आपके फ़ोन में हो सकती है। इस सेक्शन के बारे में तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे ही आगे, लेकिन अभी सिर्फ हम सेंसर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि कितनी तरह के सेंसर जो है वो मोबाइल की सर्किट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये इस तरह से वर्क करता है कि जब आप इसको कॉल लगाते हो तो ये आपका जो डिस्प्ले और इसका जो टचप्लेट है इसको ये डिसेबल करवा देता है, यानी कि ये कोई यूज़ में नहीं रहता है। तो इस तरह से एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो काम करता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक एम्बिएंट लाइट सेंसर जिसे बोला जाता है, एम्बिएंट लाइट सिस्टम। तो ये जो एम्बिएंट लाइट सेंसर जो होता है ये किस तरह से काम करता है, तो जैसे हम लोग डिस्प्ले के अंदर जो ब्राइटनेस है उसको हम ऑटो मोड पे अगर सेट कर देते हैं तो हमारा मोबाइल जो है वो बाहर की जो लाइटिंग है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। यानी कि अगर आपके बाहर जो लाइटिंग है वो बहुत कम है तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी ब्राइटनेस है उसको अपने आप से वो एडजस्ट कर लेगा, और अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो भी वो अपनी लाइट को उस तरह से एडजस्ट करेगा। तो ये जो सेंसर होता है एम्बिएंट लाइट सेंसर जिसे बोला जाता है ये आपकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये इस तरह का सेंसर भी आपको मोबाइल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक फिंगरप्रिंट सेंसर होता है जिसको हम लोग आजकल के फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले पे भी देखने को मिल सकता है और आपके मोबाइल की बैक साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है ये आपकी फिंगरप्रिंट को स्कैन करके आपके मोबाइल का लॉक जो है उसको इनेबल डिसेबल करवाने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। तो ये एक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि आपको मोबाइल में अलग अलग मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा एक पेडोमीटर सेंसर का भी यूज़ होता है। पेडोमीटर सेंसर एक्चुअल में आपकी फुट काउंटिंग के लिए होता है, यानी कि कितने कदम आप चले हो अगर उसको आपको नापना है तो ये एक सेंसर जो होता है ये भी इस तरह से काम करता है। और ये सेंसर भी मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रॉपरली अकेला कुछ काम नहीं करता है, इसके अंदर भी दूसरे सेंसर जो है इसका हेल्प करते हैं, और उस तरह से आप कितना कदम चले हो या आपने पूरे दिन में कितना वॉकिंग किया है ये जो काउंटिंग करके आपको देता है। तो इस तरह का पेडोमीटर सेंसर भी आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी दोस्तों ऐप भी होती है
जो इस सब सेंसर को सपोर्टेड जो ऐप होती है ये आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ देती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐप है जो ये सेंसर की मदद से आपका जो है आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ देती है। तो इस तरह के सेंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैरोमीटर सेंसर, ये बैरोमीटर सेंसर है, ये आपको ज़्यादातर आपको आईफोन या फिर आपको पिक्सल के फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, अदरवाइज दूसरे कोई फ़ोन के अंदर इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका यूज़ ज़्यादा और कोई कंपनी नहीं करती है, लेकिन अगर आप आईफोन या पिक्सल के फ़ोन अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये वाला जो सेंसर है यानी कि बैरोमीटर सेंसर का यहाँ पे यूज़ होता है। ये बैरोमीटर सेंसर जो है ये आपकी समुद्र तल से आपकी कितनी ऊंचाई है यानी कि आप कितनी हाइट पे हो समुद्र तल से, ये आपको ये दिखाता है। तो इस तरह का जो बैरोमीटर सेंसर है ये भी एक यूज़ में आता है जो कि आपको आईफोन और पिक्सल के फ़ोन में ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक होता है एयर ह्यूमिडिटी सेंसर। ये एयर ह्यूमिडिटी सेंसर जो होता है ये आपका वेदर को दिखाता है यानी कि आपके आसपास जो हवा है उसमें कितनी नमी है, कितनी सूखी हवा है या ये सब जो चीज़ें हैं ये इसका यूज़ करके आपको ये बताता है। हालांकि ये सेंसर बहुत ही कम फोन में, हालांकि अभी अभी सब फोन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, लेकिन आगे चल के इसमें और भी बहुत सारे जो बदलाव है ये आ सकते हैं और बहुत सी जो एप्लीकेशन है इसको सपोर्टेड आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे जो रिसर्च है ये हो रहे हैं और ये काफ़ी काम की चीज़ है जो ये सेंसर आपको डिसाइड करके देता है कि आपको किस तरह का आपका वेदर जो है या उसमें नमी कितनी है या कितना उसमें ड्राइनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कैलकुलेट करके देता है। तो इस तरह का एक सेंसर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंफ्रारेड सेंसर, ये भी आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिल सकता है। ये सभी सेटों में नहीं होता है लेकिन कोई कोई सेट के अंदर होता है। तो ये सेंसर जो है आपका ये एक तरह से एक रिमोट का काम करता है, जिसके आप एसी वगैरह है या दूसरी कोई डिवाइसेस है जैसे माइक्रोवेव ओवन है या अभी बहुत सारी डिवाइस में इसका सपोर्ट भी चालू हुआ है धीरे धीरे। तो ये एक तरह से एक रिमोट जैसे काम करता है। और इंफ्रारेड के बारे में जो लोग पहले से काम करते हैं उनको मालूम होगा कि शुरू के दौर में जब डाउनलोडिंग होता था तो एक इंफ्रारेड डोंगल के ज़रिए होता था, और जो काफ़ी यानी कि 12-15 साल पहले जो काम करते थे उन लोगों ने देखा होगा कि एक इंफ्रारेड का डोंगल आता था जिसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसमें आप मोबाइल में से अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, सॉरी आपको कंप्यूटर में से मोबाइल में कुछ डेटा डालना हो तो ये डेटा जो है आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते थे इंफ्रारेड के ज़रिए, जो कि ये सिस्टम बाद में उसके बाद ब्लूटूथ आया और अभी यूएसबी से ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं बची है अब। तो कहने का मतलब कि ये एक इंफ्रारेड सेंसर जो है ये भी एक ऐसा सेंसर होता है कि जिसके ज़रिए आप कई सारे यूज़ जो है इसके कर सकते हो। तो ये इंफ्रारेड सेंसर भी आपको मोबाइल के सर्किट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक इसके अंदर एक नया सेंसर आया है जो जिसको बोला जाता है एनएफसी सेंसर यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये सेंसर किस तरह का होता है कि दो मोबाइल को आप आजू बाजू में रख के उसके डेटा जो है एक दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये एक सेंसर जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है जो कि एक एनएफसी सेंसर यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन सेंसर जिसे बोला जाता है, जिसकी वजह से आप दो मोबाइल के बीच में आप कम्युनिकेशन करा सकते हो और वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र आप दोनों के बीच में कर सकते हो। तो ये वाला एक सेंसर जो है ये भी आपको मोबाइल के सर्किट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हॉल सेंसर के बारे में मैंने आपको पूरा एक वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाला है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख लेना। जनरली जो हमारे फ़ोन होते हैं उसमें फ्लिप कवर जो सपोर्टेड फ़ोन होते हैं जिसके अंदर फ्लिप कवर आप लगा देते हो तो आपका डिस्प्ले बंद हो जाता है और जब आप फ्लिप कवर को उठाते हो तो आपका डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये एक सब जो है ये हॉल सेंसर की मदद से किया जाता है और है हॉल सेंसर जो है ये आपका वर्क करता है एक मैग्नेट के ऊपर से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये काम इसका होता है। तो इसके बारे में तो मैं पूरा वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हो कि ये हॉल सेंसर जो है वो किस तरह से काम करता है। इसके अलावा एक MST सेंसर भी यूज़ आता है जिसे बोला जाता है मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन। ये जो सेंसर है ये सिर्फ आपको सैमसंग के सेटों में देखने को मिलेगा। तो ये सेंसर जो होता है वो आपके जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसको आपके मोबाइल के अंदर आप उसको सेव करके रख देते हो और अगर आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन करना हो तो जो आप उसका मशीन आता है उसके ऊपर आप सिर्फ आपको कोई कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप मोबाइल को उसके करीब ले जाके आप वहाँ से वो ट्रांसमिशन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप इसके ज़रिए आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ अभी तक सैमसंग के फ़ोन में आया है और कोई सेट के अंदर ये MST सेंसर का यूज़ होते हुए मैंने नहीं देखा है।
तो फिलहाल इतने सेंसर जो है आपको मोबाइल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो हमारे मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो भी एक तरह का सेंसर ही है, लेकिन उसको हम एज अ माइक ही देखते हैं, तो हम इसको एज अ माइक ही देखेंगे। अदरवाइज वो जो माइक का सेंसर है वो भी एक तरह का सेंसर ही है जो कि हमारी वॉइस को वो कैचअप करता है और उस ऑडियो सिग्नल को वो एक फ्रीक्वेंसी बना के उसको आगे भेजता है, उसको ऑडियो सिग्नल को वो फ्रीक्वेंसी बना के आगे भेजता है। और ये चीज़ जो है वो हम ऑडियो सेक्शन के अंदर देखेंगे, तो उसमें ये चीज़ के बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन एक जनरल जो सादा सिंपल माइक होता है उसके अंदर जनरली एक स्पीकर जैसा ही होता है, और अदरवाइज़ ये जितने भी नए फ़ोन हैं उसके अंदर जो माइक यूज़ होता है, हमने देखा है कि 4 या 5 लेग के या 3 लेग के माइक उसमें एक यूज़ होता है। तो ये माइक जो है एक तरह का सेंसर ही है जो आपके आवाज़ को कैचअप करता है और उसको फ्रीक्वेंसी बना के बाहर देता है। तो दोस्तों ये सब सेंसर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया आज, और इसके आगे के वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। बोलो भाई, अल्लाह भाई रिकॉर्डिंग चालू हो तू मन को इला ताने बार मोकेलो के मीटिंग करे तो ऊपर मैंने बगा।